इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान सबको परिवार मानते हैं, इसलिए प्रभु वन में भी रहकर सबको समेट लिए हो। देखिए प्रेम बस कब कब भगवान कब कब आए, माँ ने पूछा, बाबा ने कहा, जब जब हो जी सब आइए वही है चरित समारे सब गाओ बढ़ई असुर धम अभिमानी करही अनीति जाई प्रधेनु सुरधरणी जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है। पुनः एक बार स्मरण करा रहा हूं इस पंक्ति के साथ, ध्यान रखिएगा, अधर्म की सत्ता कभी भी धर्म से बड़ी नहीं होती। जिस दिन अधर्म की सत्ता धर्म से बड़ी होगी, उस दिन धरती रसातल चली जाएगी, रसातल चली जाएगी। बड़ा धर्म बढ़ गया, कहीं नहीं बढ़ गया। 30 में 5 अधर्मी होते हैं। अब इतना उत्पात करते हैं, इतना उत्पात करते हैं कि धर्मी लोगों को देखते बनता है ऐसा, डर के मारे सब शांत रहते हैं, कोई बोलता नहीं है। क्यों? उत्पात करने वालों को उत्पात में ही सुख मिलता है, परम धर्मशील जीव को अपने धर्म व्यवहार में ही आनंद प्राप्त होता है, वो उनका बोध है। बाबा कहते हैं, देवी सीधे विप्रधेन सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए शरीर धारण करते हैं। भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं, महापुरुषावतार, आवेशावतार, अंशावतार, पूर्णावतार और विशिष्टावतार। आपको कई बार सुनाया है, अवतारों का क्रम बाबा सुनाते हैं। देवी मैं आपको 5 कारण सुना रहा हूं, कुछ का संक्षेप करूंगा, कुछ का विस्तार करूंगा। बाबा ने सुनाया, जय विजय भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद थे, सनकादिक ऋषियों का शाप लग गया, 3 जन्म असुर शरीर धारण किए,
भगवान ने कृष्णावतार में मुक्त किया। जालंधर की कथा है जहाँ भगवान ने कश्यप अतिथि जी के पुत्र राम स्वरूप में आकर रावण होने पर उसको गति प्रदान की। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, नारद शाप दीन एक बारा कल्प एक तेही लगी अवतारा। माँ चकित हुई, माँ ने पूछा भगवान शिव ने नारद जी को कैसे क्रोध आया और कैसे उन्होंने शाप दिया, ये प्रसंग सुनाया। जगत जानता है हर उस व्यक्ति को क्रोध आ सकता है जो कल्पना लोक में कहीं रहता है और भगवत इच्छा कुछ होती है। क्रोध का कारण यह है कि हमारे मन में जो चल रहा है वो न होकर कुछ और हो गया। वस्तुतः क्रोध अबोधता का परिणाम है, परंतु यहां तो भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा से क्रोध हुआ। नारद जी ने भगवान को शाप दिया, एक कारण यह है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता सद्रुपा जी और मनु जी महाराज को भगवान ने तपोपरांत वरदान दिया, इस कारण भगवान का अवतरण हुआ। पांचवें कारण में कैकेयी नरेश सत्यकेतु महाराज के पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन जी की कथा है। धर्मरुचि उनके विशेष सचिव हुए महासचिव। विप्रशाप से ये तीनों लोग असुर शरीर सकुल समूल धारण कर लिए। इनका स्वरूप जब परिवर्तन हुआ, मनुष्य जैसा सोचता है रहता है वैसा उसका जन्म प्राप्त होता है। प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और धर्मरुचि विमात्र भाई विभीषण हुए। तीनों ने कठोर तप किया। भगवान शिव कहते हैं, देवी मैंने ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया, रावण ने मांगा वानर मनुष्य को छोड़कर किसी से मरूं नहीं, कुंभकर्ण ने मांगा 6 मास सोऊं एक दिन जगूं फिर खा पी के सो जाऊं तथास्तु, विभीषण ने मांगा तेहि मांग से भगवंत पद कमल अमल तेनहि देहि वर ब्रह्म सिधाए। मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया, पाताल जाकर दोनों भाइयों का विवाह करके लाया है। लंका को मैं दानव ने सजाया, कुबेर के सेवक जहाँ रहते थे रावण ने मार के भगाया, लंका का श्रृंगार हुआ है और रावण ने लंकापुरी में अपनी राजधानी बनाई। रावण का परिवार बढ़ने लगा, विशाल हो गया उसका परिवार, धरती अकुल आ गई, रावण के स्वजनों परिजनों के उत्पात से पूरी धरा व्याकुल हो गई। अतिशय देख धर्म के एक ग्लानी परम सभीत धरा मुनियों के पास गई गौ माता का रूप लेकर के। मुनि लोग ब्रह्म लोक आए, ब्रह्मा जी शिव लोक पधारे कैलाश पर, और कैलाश पर बैठकर विचार हो रहा है कहाँ मिलेंगे प्रभु, कहाँ पाई प्रभु करिए पुकारा, पुर वैकुंठ जान कह कोई को कह पै नि दिवस प्रभु सोई। बाबा ने अवसर पाकर कहा, जाक हृदय भगत जसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो ही मैं। भगवान ब्रह्मा ने साधु वचन कह के प्रशंसा किया है। ब्रह्मा जी भगवान को मनाने के लिए आने के लिए करुणा वृष्टि करने के लिए प्रार्थना प्रारंभ की, आइए सब लोग मिलकर भाव श्रद्धा के साथ ब्रह्मा जी के साथ ताल में ताल मिलाकर गाएं। चार मुख से चार छंदों को गाया है भगवान ब्रह्मा ने। व्यास जी जय
सभय सुर भूमि सुन वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक सन। क्या गंभीर गिरा भई, गिरा मने वाणी बोली। जनि डर पहु मुनि सीध डरिए मत, तुम ही लागे धरी हम नर अनसन सहित मनुजय ले हम दिन करवन उदा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।